25.5 और 25.27 एकदम करीबी मामला है इनका। 2-3 महीने का नजरिया है सुजलॉन में क्या? देखिए रेल जी, आप तो जानते हैं ये भी लेगेसी स्टॉक था एक जमाने में, लेगेसी स्टॉक ही है और पेनी स्टॉक भी था और कई सर्किटों में आता जाता था एक जमानों में। आजकल थोड़ा सा ट्रेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन पिछले 15-20 दिन में अगर मैं जाके देखूं तो 3 तो अपर सर्किट मार चुका है। आई थिंक ये सर्किट अप सर्किट डाउन स्टॉक्स में हमेशा तकलीफ रहती है, और साथ में आप ऐड कर लें कि एक जमाने ये पेनी स्टॉक भी रहा है, लेगेसी स्टॉक भी रहा है और बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है एक जमाने में, और आज भी किन्हीं कारणों से फेवरेट तो बहुत रहता है। तो देखिए मेरे तो एक्टिव बहुत ज्यादा मेरे पसंदीदा स्टॉकों में ऐसे नहीं है, बट मैं इनको एक रेंज दे सकता हूँ। आई थिंक फिलहाल जो मुझे रेंज दिख रही है इमीडिएट बेसिस पे, मुझे लग रही है कि 20 से लेके एक 26-27 रुपए तक की रेंज रहेगी, इन रेंजेस में ही रहेगा। आइडली ब्रेकआउट अपसाइड हुआ 27 के पार तो मे बी 32-33 के लेवल्स आ सकते हैं, और नीचे में जब 20 तोड़ेगा तो वीक हो जाएगा। तो आई थिंक ब्रॉडली एक रेंज पकड़ के चले 20 से 27 की। ओके, 20 से 27 के बीच में आपको अपना ट्रेड सेट कर लेना है या सेट ऑफ कर लेना है।